हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं सर। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए क्या हूँ एक यहाँ पे ये मिनी सिस्टम। बेसिकली दोस्तों इस मिनी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे वर्क करेगा, माइक्रोफोन हम कौन से देना है, कनेक्शंस कैसे होंगे, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक 12 इंची का ये स्पीकर हो जाता है। वुडन कैबिनेट है, कारपेट वाला है, मल्टीपर्पज़ यूजेस के लिए एचएफ भी मिलता है। तो ये एक पीस ये हो जाता है, एक पीस ये हो जाता है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्पलीफायर आप देख पा रहे हैं, ये हम एम्पलीफायर भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एम्पलीफायर की पूरी कनेक्टिविटी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये माइक्रोफोन जो है वो ये आप माइक्रोफोन देख सकते हैं, माइक्रोफोन का वायर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में आपको डिटेल में लेके जाऊँगा। अनबॉक्सिंग हम पहले देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस सिस्टम में मैं आपको ये एक मिनी सिस्टम में आपको मैं जो कि स्पीकर है वो कौन सा दे रहा हूँ वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों रियल ऑडियो का पीए स्पीकर सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टू वे स्पीकर होता है इसके अंदर, यानी आपका एक स्पीकर होता है और एक एचएफ होता है। यहाँ पे इसके जो कि पैरामीटर्स हैं वो सारे मेंशन करे हुए हैं। 200 वाट जो है वो इसका ये मैक्स पावर होता है। फ्रिक्वेंसी मेंशन करा गया है। पीजो हॉर्न ट्विटर जो है वो इसके अंदर आपको दिया जाता है। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की जो है वो पैकिंग में आपको मिलेगा जब भी आप ये सिस्टम लेंगे। फिलहाल में तो ये आपके पास ये दो पीस हो जाते हैं। मैं इसमें सिर्फ अभी ये एक अकेला अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ और ये एक एम्पलीफायर होते हैं। तो ये तीनों पैकेट जो है वो आपको ये कॉम्बो में मिलते हैं। तो ये तीनों एक साथ ही आएंगे। फिलहाल में जो कि अनबॉक्सिंग है वो अभी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे रियल ऑडियो की आपको जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। इसे हम काट लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं ये काटता हूँ। तो ये सेफ्टी के लिए होता है हमारा। यहाँ पे जो कि ये है ऊपर टेप लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये खोल लेता हूँ, इसको भी हम यहाँ से जो है वो खोल लेते हैं। चलिए फटाफट से। ये जो है वो इसमें सील्स लगे रहेंगे, जब भी आप लेंगे नया तो ये आपको ये ज़रूर मिला करेगा। जो कि हमारा ये मेन यूनिट है वो यहाँ हो जाता है इस पॉली बैग में पैक। इसे मैं अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। ऐसे हमारे दूसरे वाले को भी अनबॉक्स हम कर लेते हैं जब तक फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये दोनों को मैंने स्पीकर्स को अभी निकाल लिया है बॉक्स से। अभी मैं आपको इनकी सबसे पहले दिखाता हूँ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप करके, फिर हम जो है वो अपने एम्पलीफायर पर स्विच करेंगे, एम्पलीफायर को अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो कि आप ये आप देख सकते हैं ये पीए सीरीज है। इस पर बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन है कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा मेन इंडिया प्रोडक्ट है। ग्रिल आप देख सकते हैं सामने आपको दे रखी है। जैसे कि अभी भी इसमें आप देख पा रहे हैं ये आपको एक जो हॉर्न दिख रहा होगा, ये बेसिकली इसका एचएफ है। ये पिज्जो इसे हम ट्विटर कहते हैं, ये पिज्जो ट्विटर कहते हैं इसे। ये मार्केट में जो कि इसका रिपेयरेबल जो डायफ्राम होता है वो ईजिली आपको मिल जाता है। नीचे जो कि है वो स्पीकर आपको दिया गया है, ये 12 इंची का जो है वो इसके अंदर साइज आपको देखने को मिलता है। तो ये टोटल अगर मैं एक बॉक्स की मैक्स की पावर करूँ, यानी मैक्स की पावर की वोल्टेज की बात करूँ, तो ये 200 वाट हो जाता है। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको हैंडल्स मिल जाते हैं ग्रिप के लिए। तो आप इसको किसी भी प्रकार से कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये इतने कॉम्पैक्ट है, बेसिकली साइज देख सकते हैं ये, मैं इनको आराम से ऐसे उठा सकता हूँ। तो ये इतने ज़्यादा जो है वो कॉम्पैक्ट रहते हैं कि आप इसको अपने कार में या फिर अगर आप बाइक पर बैठ रहे हैं, बेसिकली बाइक पर भी अगर एक एक दो दो पीस आप लेके जाना चाहते हैं विद एम्पलीफायर लेके जाना चाहते हैं ईजिली चले जाएगा। स्कूटी पर लेके जाना चाहते हैं ये, तो मतलब एक मैंने आपको ये सिस्टम इसलिए दिखाया कि ये एक तो ईजी टू यूज़ है, प्लग इन प्ले वाला है, कॉम्पैक्ट है, मजबूत चीज़ें हैं। मजबूत कैसे हैं ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर कोनों पे ना ये देख सकते हैं ये लोहे की पत्तियां लगाई गई हैं। बेसिकली ये इसलिए लगाई जाती हैं कि कोनों पे अगर कोई भी इंपैक्ट या चोट लगती है तो वो इससे बचा लेती हैं। प्लस ये जो कि कम्बल होता है इसको भी उधड़ने से बचाए रखती हैं। प्लस बाकी यहाँ पर तो आपको ये कैबिनेट की क्वालिटी है, फिर कम्बल की क्वालिटी जो है वो अगेन अच्छी देखने को मिल जाती है। पीछे इनपुट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये देख सकते हैं ये इनपुट हो जाते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट एंड डायरेक्ट आप इन करें और यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं और भी इसको, वो मैं आपको कनेक्शन खैर फिलहाल में करके दिखाऊंगा। नीचे बाकी इसके ये पैडल्स हो जाते हैं जिस पे ये रहेंगे, तो ये नीचे पानी वानी से भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगेन कंबल है तो इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखा है कि नीचे अगर पानी जाए तो ये भीगे ना। तो ये अगेन ओवरऑल ये दो स्पीकर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये है इनकी क्वालिटी। ग्रिल जो है वो ज़्यादा नहीं दबेगी अगर बाई चांस ये सामने से भी
गिरते हैं इस प्रकार से, तो ये सामने कोई भी इस पर डैमेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाता है रियल ऑडियो के। अगेन यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये दो बॉक्स आपको दे रहा हूँ अभी, जो कि ये है हमारा RXA125DP, ये है एम्पलीफायर। इसको मैं अभी अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम एम्पलीफायर को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है अगेन रियल ऑडियो की ब्रांडिंग, PA एम्पलीफायर जो है उसमें मेंशन करा गया है। RXA125DP जो है वो इस पर मेंशन करा जा रहा है। ब्लूटूथ जो है वो आपके यहाँ पे मेंशन रहेगा। ब्लूटूथ के अलावा इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हाइलाइट्स पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे वही सारी डिटेल्स हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से फटाफट से जो है वो अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से जो इसकी अनबॉक्सिंग यहाँ पर रहेगी। अगेन सारे स्पीकर्स या फिर सारे प्रोडक्ट्स में आपको अगेन रियल ऑडियो की जो होती है वो पूरे के पूरे सील या फिर स्ट्रिप्स जो है वो लगा के आपको दी जाती है, ताकि कोई भी आपको डुप्लीकेसी या फिर रीयूज वाला सामान जो है वो मिले ना आपको। इस बात का अगेन ध्यान रखा जाता है। पैकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैकिंग पे स्ट्रांग रहती है। ट्रांसपोर्ट कोरियर से अगर आप मंगा रहे हैं तो टूटने का कोई खतरा नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ से इसको ऐसे करके निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये निकाला और अगेन इसमें, जैसे कि मुझे मालूम था कि ये एक आपको रिमोट तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग से एक पूरा ब्लूटूथ वाला सिस्टम यानी वो मल्टीमीडिया वाला जो कार्ड होता है वो दिया गया है। तो ये रिमोटली भी आपका वर्क करेगा, ये रिमोट हो जाता है। तो आप इसमें से अगर इसको यहाँ से करेंगे तो ये जो है सेल डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो आप ये वर्क में ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये थर्माकोल को हम हटा लेते हैं, ये वाला भी मैं अभी हटा लेता हूँ। पैकिंग आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग करी गई है, कोशिश यही करी जाती है कंपनी की तरफ से। एम्प को हम यहाँ पे खोल लेते हैं और बात करूँ वेट की, अच्छा खासा वेट है इसमें। तो 125 का जो है वो एम्पलीफायर है, तो वेट भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है। कॉर्ड की भी लेंथ जो है वो अच्छी खासी दी गई है, तो अलग से इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी मैं बात कर रहा था ये है वो मल्टीमीडिया। इसमें माइक के इनपुट आपको 1, 2, 3, 4, 5 माइक इनपुट, 3 में आपको ऑप्शनल मिलता है जिसमें आप ऑक्स या फिर आप USB FM रेडियो जो है वो कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा ड्राइवर यूनिट, आपने चलाना है ड्राइवर यूनिट आप चला लो, या फिर आपने स्पीकर चलाना है आप स्पीकर चला लो। इसके अंदर सारे सिलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ये ट्रिबल बेस हो जाता है, ये मास्टर हो जाता है, ये इसके आउटपुट लेवल हो जाते हैं, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है, ओवरऑल अगर ख़राब होता तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है। माइक के इनपुट अलग दे रखे हैं। अगर आप ऑक्स इनपुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑक्स के लिए भी आपको ऑक्स 1 ऑक्स 2 प्री आउट लाइन इन लाइन आउट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये जो कि आप बैटरी से भी इसको चला सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके कार बैटरी से भी ऑपरेट रहेगा, या फिर अगर आप अलग से बैटरी लगाते हैं उससे भी चला सकते हैं। हॉर्न अगर आपको अटैच करना है तो हम यहाँ पे हॉर्न भी अटैच कर सकते हैं। ये कॉमन वाली यानी हमारी जो कि ये स्पीकर वाली लेंथ हो जाती है, इसमें आप स्पीकर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। मेड इंडिया प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं ये मेड इंडिया प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें एंटीना विंटीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लग अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है क्वालिटी का प्लग इसके अंदर यूज़ करा गया है। वेंटिलेशन ऊपर दिए गए हैं। ये स्टिकर जो है वो आप देख सकते हैं स्पीकर के कनेक्शन के स्टिकर जो है वो आपको उसके अंदर दिए जाते हैं। रियल ऑडियो यहाँ पे भी जो है वो मेंशन रहेगा। तो ये है ओवरऑल इस एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशंस। चलिए अभी जो कि इसका कनेक्शंस हैं, वायर्स हैं, वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। अभी मैंने यहाँ पे कॉलर माइक हटा चुका हूँ, तो एक्चुअल में आपको अभी जो इसका आउटपुट है वो मिल पाएगा। उससे पहले मैं आपको कनेक्शंस बता देता हूँ कि हम इस पे कनेक्शंस कैसे करने वाले हैं। और इसके साथ में एक चीज और है जो कि मैं आपको यहाँ पे एड ऑन कर दूंगा। फिलहाल में अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको मैं पीछे से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं। तो ये जो वायर्स हैं दोस्तों, ये हमारा एम्पलीफायर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर में आपको कॉमन 4 यानी हमारा जो कि एक बॉक्स है वो यहाँ पे आपको मैं और सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो कि एक बॉक्स है वो हमारा यहाँ पे 8 और 8 ओम का रहता है, यानी 8 ये हो गया, ठीक है ना, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया। अगर आप इनको पैलरी कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वो जो भी ओम्स होता है वो हो जाता है यहाँ पे 4 ओम्स हो जाता है। तो एम्पलीफायर पे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये 4 ओम्स पे ही कनेक्ट करना है और आपको भी 4 ओम्स पे ही कनेक्ट करना है। कॉमन पे आपका ब्लैक वाला वायर आएगा और यहाँ पे 4 पे ये आपका रेड वाला वायर हो जाएगा। तो ये कॉमन 4 ओम्स जो है वो हो गया है। अब यहाँ पे तो सिर्फ आपने यहाँ से एक वायर निकाली। अब होता क्या कि आप इसको पैच करना चाहते हैं तो सिंपल मैंने देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट करा हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ, और इससे ही मैंने यहाँ पे इसको ये पैच करा हुआ है, ठीक है ना, एक दूसरे से। और ये जो वायर्स हैं ये आपको न्यूली वायर मिलेंगे एग्जैक्टली, ये सैंपल के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है ना। तो ये हो जाती हैं
यहाँ पे ये कनेक्शन देख सकते हैं, ये कनेक्शन ठीक है ना, ये दोनों स्पीकर कनेक्ट हैं। अभी मैं एम्पलीफायर को जो वो यहाँ से देख सकते हैं ऑन करता हूँ, यहाँ से मैंने एम्पलीफायर को ऑन करा और ये हाई लिख के यहाँ पे आ गया है। ये ऑलरेडी ब्लूटूथ पे है जिसमें आपको यहाँ पे मोड जो है वो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लाइक इसके अंदर ये आपको EQ भी जो है वो मिलता है, तो आप अपने हिसाब से EQ को भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ये इसका पावर ऑन का है, पावर ऑफ का है, देख सकते हैं यहाँ पे ये मोड हो जाता है। चलिए मोड में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या, लाइन का है यानी आप इसमें लाइन ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ हो जाता है ठीक है ना। तो ये फीचर्स हैं इसके अंदर। बाकी आप डायरेक्टली अगर यहाँ से SD कार्ड डालते हैं या फिर यहाँ पे अगर आप इस पे पेन ड्राइव लगाते हैं तो ये डायरेक्टली अटैच ले लेगा, तो कोई भी चीज़ जो है वो छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने जो कि ये माइक 4 है यहाँ पे, ये आप सॉरी माइक 3 का जो है वो ये हो जाता है, ये यहाँ से अगर आप USB भी सेट कर देंगे तो ये आपका ये वाला फंक्शन हो जाएगा और आपको इसको बंद करना है तो सिंपल आपने ये वाला स्विच उधर कर देना, ये आपका माइक भी सेम वॉल्यूम पे काम करेगा। तो ये फीचर है, आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पीकर चलाना है तो स्पीकर पे कर दीजिए, नहीं तो हॉर्न के लिए हॉर्न पे रेड हो जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन रहता है ड्राइवर यूनिटेड स्पीकर ठीक है ना, ये हो जाता है। बाकी यहाँ पे बेस मिड ट्रेबल हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ, पहले हम मोड जो है वो ब्लूटूथ कर लेते हैं, कनेक्टिविटी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है, बहुत फास्ट कनेक्टिविटी है इसकी, तो कोई भी मुझे यहाँ पे इशू नहीं आया। QX85 करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंशन करा हुआ है, QX85 करके यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है ठीक है ना, ये हो जाता है। अभी चलिए मैं यहाँ से कुछ एक आधा सॉन्ग वॉन्ग जो है वो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में इसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चीज़ आपको और मिलेगी वो ये है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे रियल ऑडियो का यहाँ पे ये SV100 जो है वो माइक्रोफोन आपको मिल रहा है। बेसिकली ये जो माइक्रोफोन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है यानी रियल ऑडियो के अंदर, और बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो मिल जाएगा आपको ये ठीक है ना। ये डायनेमिक माइक्रोफोन है, तो मुझे लगा कि आपको इस सेटअप में जो है वो ये माइक्रोफोन जो है देना चाहिए ताकि आप अपना कैरोके हो गया या फिर घर के प्रोग्राम हो गया बहुत सारी चीज़ों पे ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन करता हूँ, सबसे पहले आपको इसके अंदर दोस्तों ये वायर जो है इसकी कॉर्ड जो है वो साथ में ही मिलेगी, तो इसकी लेंथ भी जो है वो अच्छी खासी है, तो अलग से वायर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जो सिस्टम की कनेक्टिविटी वायर है वो तो खैर हम साथ में दे ही रहे हैं आपको, तो ये वायर हो जाती है देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है ना, ये जो है वो वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं ये हो जाती है। माइक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये माइक्रोफोन हो जाता है जिसको आप पाउच के साथ में ही आपको मिलेगा, तो पाउच के साथ में सेफ्टी भी रहेगी आपकी। तो बॉक्स अगर यहाँ पे आपका अलग ही भी हटा देते हैं तो ये पाउच से आपकी सेफ्टी हो जाएगी, तो ये हो जाता है माइक्रोफोन यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल ऑडियो की अगेन ब्रांडिंग है SV सीरीज SV100, ये ऑन स्विच ऑफ बटन हो जाता है, XLR जो है वो सॉकेट यहाँ पे लगेगा
तो ये इस क्वालिटी का जो है वो माइक्रोफोन हो जाता है। चलिए मैं आपको इसका जो कि मेन जो इसका कैप्सूल यानी किट होता है वो मेन होता है एक्चुअल में, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी क्वालिटी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैं इसको रिपैक कर देता हूँ और कनेक्टिविटी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने ये माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये कनेक्ट कर लेना है। माइक वन में मैं इनपुट कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है अगर आप किसी को दे रहे हैं सिस्टम चलाने पे। ये जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने ये कर लेनी है, आपने ये वायर को यहाँ पे बांध लेना है और देन आपने यहाँ पे ये लगाना है। अगर कोई खींचता भी है तो वहाँ से आपका नहीं निकलेगा या फिर ख़राब नहीं होगा, ये जैक ख़राब नहीं होगा, तो वो वायर से ही आपकी थोड़ी बहुत जो है वो सेफ्टी हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा के। हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो वन टू चेक, हेलो चेक 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 चेक। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी पास में खड़ा हूँ फिर भी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा विजलिंग ये नहीं कर रहा है। तो ये जो है वो माइक का कमाल होता है एक्चुअल में। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक 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 चेक, हेलो चेक वन टू वन चेक, हेलो। तो ये है इसका दोस्तों फीचर जो कि मैंने आपको यहाँ पर माइक्रोफोन दिया। चलिए अभी जो कि इसकी बाकी डिटेल्स हैं प्राइसिंग वाइजिंग वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी आपको यहाँ पर टेस्टिंग और कैसे लगा ये सिस्टम, ये मिनी सिस्टम बेसिकली? आप इसको स्कूल में हो गया, आप इसको किसी फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं वहाँ हो गया, घर में यूज़ करना चाहते हैं वहाँ हो गया। इतना कॉम्पैक्ट है कि आपके गाड़ी के जो डिग्गी होता है उसमें भी जा सकता है, कार की सीट में आप रख दीजिए वहाँ पे भी जा सकता है, और अगर आप बाइक से भी इसको लेके जाना चाहते हैं जैसे कि मैंने बताया ना स्कूटी से, तो उस टाइप से भी इसको लेके जा सकते हैं। वेट भी जो है उसका लाइट वेट है तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। प्राइसिंग जो है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, नीचे लिखा है, प्राइसिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये दो चीज़, ये दो पीस आपको मिल जाते हैं स्पीकर के, सिंगल 12 और विद HF होती है इसके अंदर। ये एक एम्पलीफायर मिलता है इसके साथ में, ये माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन का वायर साथ में आएगा, इनकी जो कनेक्टिविटी के वायर हैं वो भी मिलेगी, 5 मीटर की जो है वो कनेक्टिविटी वायर होंगे इसके साथ में। तो लेंथ भी जो है वो अच्छी खासी आप यहाँ पे कर सकते हैं, फीट में जो है वो बोल देते हैं लेकिन मैं एक्चुअल में मीटर में आपको बता रहा हूँ कितना मीटर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट है, ये ख़राब भी हो जाता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए। फिर भी अगर आप हमसे नहीं ठीक करवाना चाहते हैं या फिर आप कहते हैं कि भेजने में दिक्कत हो जाएगा, तो भैया आप अपने नियर बाई कोई भी हो रिपेयरिंग करने वाला वो इसको ईजिली रिपेयर कर सकता है। स्पीकर भी हम ऐसे ही आपको दे रहे हैं, एम्पलीफायर भी हम ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कोई इशू होने ही नहीं वाला है। तो ये है ओवरऑल दोस्तों प्राइस, मैं जैसे मैंने बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके जो है वहीं पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा, प्रीपेड कोशिश करिए कि प्रीपेड आप पहला पैसा भेज दीजिए, वेरीफाइड है यहाँ पे मैं हूँ तो कोई चीज़ की आपको इशू नहीं होगा। बाकी ओवरऑल दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, इस चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।